हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास टू क्लास लास्ट अपन जो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जी की थी। टाइप्स ऑफ बिजनेस सैक्टर अपन जो किए थे प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर, जॉइंट सैक्टर। और नैक्सट जो मेन जो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिमें कि इस चैप्टर का नाम भी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन कि किन्ने तरह के बिजनेस जोड़े होंगे ने, एक परसन जो बिजनेस करना चाहता है वो किन्ने टाइप्स ऑफ बिजनेस जोड़े वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के जिन्होंने आप कमर्स कर देंगे जो कॉर्पोरेट सैक्टर है, कंपनी सैक्टर, तरह तरह के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल ने। ठीक है, एक न्यू बिजनेसमैन जो भी एक न्यू बिजनेसमैन नवा बिजनेस करने के बारे सोचता है तो वो को काफ़ी सारिया ऑप्शनस होंगे ने, वह माइंड काफ़ी सारा कंफ्यूजन के कि वह कि बिजनेस में जॉइन करे ताकि फ्यूचर के जाके जरा वे वालों लिता गया जो स्टैप कोई नुकसान ना हो कोई लॉसिस ना हो। ठीक है, हर कोई परसन जरा वा जो नवा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता वा जिन्होंने आप एंटरप्रेन्योर कहने लास्ट तुम जो डेफिनेशन दूसरी कि एंटरप्रेन्योर वो परसन जो पहली बार एक न्यू बिजनेस शुरू करता है। सो कमर्स के उस परसन एंटरप्रेन्योर कहने। सो एक एंटरप्रेन्योर जो एक नवा बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पहले स्टडी करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखता है और उस तो बाद जिहड़ा वा उह सिलेक्ट करता है कि कहड़ा बिजनेस उहदे लई सूटेबल रहेगा। सो इस चैप्टर दे विच आपां जिहड़ा वा अज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जिहड़े पढ़ांगे कि किन्नी तरह का बिजनेस जिहड़ा मार्केट विच अवेलेबल हुंदा है। इन्हां सारे बिजनेस नूं स्टडी करन तों बाद ही पता लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर लई जिहड़ा वा राइट ऑप्शन की है। ठीक है, वह कहड़ा बिजनेस चूज कर सकता है, किहड़े बिजनेस विच अपना पैसा और कैपीटल इन्वैसट करे। कैपीटल यानी कि जिहड़ा पैसा एक नवे बिजनेस विच इन्वैसट करता है उस टर्म नूं कैपिटल कहिंदे ने। सो फर्स्ट जिहड़ी ऑप्शन जिहड़ी है एक बिजनेसमैन कोल उह हुंदी है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला जिहड़ा बिजनेस है, बिजनेस कई तरह का है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस तरह एटसेट्रा, होर भी काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगे ने। पर आप पढ़ा कि सब तो पहला बिजनेस जिहड़ा कि पहला ही बिजनेस होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, जो भी कोई न्यू बिजनेसमैन जो पहली बार बिजनेस शुरू कर लगा है तो वो जी फर्स्ट ऑप्शन ये होंगी है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब सिंगल, तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऑनरशिप, यानी कि सिंगल ऑनरशिप कि कोई भी बिजनेस जो सिंगल परसन स्टार्ट करता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो एक इंडिविजुअल परसन उस बिजनेस में स्टार्ट करता है उन्होंने आप जो सिंपल वर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप कहने। सब तो पहले आप मीनिंग जो पढ़ लेते हैं, यह मीनिंग की है, अ बिजनेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। कि कोई भी बिजनेस जिहड़ा ओन्ड मैनेज्ड ते कंट्रोल सिर्फ एक सिंगल परसन के द्वारा किया जा रहा है उस परसन नूं जां उस बिजनेस नूं आपां की कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन जां फिर बिजनेस। ठीक है, कि एक इकले आदमी के द्वारा, एक इकले परसन के द्वारा कोई न्यू बिजनेस जिहड़ा वा सैटअप किया गया है और इनवैसटमेंट भी सिर्फ एक सिंगल परसन के द्वारा की गई है, यानी कि किसी भी आम पब्लिक को या फिर जरा किसी भी द्वारा जरा किसी भी तरह की जी फाइनेंशियली हेल्प ले बिना एक सिंगल परसन अपनी खुद की इनवैसटमेंट जी करके एक नवा बिजनेस ओपन कर रहा है। ठीक है, उसको आप कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दी बहुत सारी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ने। ठीक है, आप अपनी लोकल मार्केट के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सब तो पहले फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एक बेकरी शॉप। ठीक है, बेकरी शॉप कह सकते हैं कि वह भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। कोई भी करियाने की दुकान जिन्होंने आप करियाना मर्चेंट भी कह देते हैं। ठीक है, करियाने की दुकान का जो ऑनर है, मालिक है, उन्होंने भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप जो कह सकते हैं क्योंकि वह ऑनर खुद ही चलता है। ठीक है, सिंगल परसन है, सिंगल परसन ने जी कोई अपनी जी किसी भी तरह की जी शॉप ओपन की है तो उन्होंने भी उस बिजनेस में भी आप जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर लैके आवेंगे। अगर कोई सिंगल परसन एक गारमेंट मेकिंग क्लोथ की भी अगर शॉप ओपन करता है तो उस बिजनेस को भी आप जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस कहेंगे, क्योंकि कोई भी इदा का बिजनेस जिद एक सिंगल परसन की इनवैसटमेंट जी लगती है, एक सिंगल परसन जो इनवैसटमेंट करता है और वह बिजनेस ओपन करता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के जो फीचर जो आप पढ़ा, इन्हों फीचर्स पढ़न तो बाद रीड आउट करने तो बाद सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मीनिंग होर चंगी तरह जो वा डिटेल क्लीयर हो जाएगा।